मिथिलांचल एकता वेलफेयर सभा की ओर से 15वां वार्षिक श्री दुर्गा पूजा महोत्सव 7 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक बल्टन पार्क श्री पिपलेश्वर महादेव मंदिर कबीर नगर जालंधर में करवाया जा रहा है, जिसके पहले दिन भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें 131 महिलाओं ने अपने सिरों पर कलश रखकर इस यात्रा में भाग लिया। ये यात्रा मंदिर प्रांगण से शुरू होकर इलाके की परिक्रमा करते हुए सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर में पहुंची, जहां पर उन्होंने मातृपुर मालिनी जी के दरबार में नतमस्तक होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर सभा के सदस्यों ने बताया कि 7 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक हर शाम को मथुरा वृंदावन से आए कलाकारों की ओर से रासलीला का आयोजन भी किया जाएगा। इस मौके पर श्री देवी तालाब मंदिर में दूध का लंगर भी लगाया गया। इस अवसर पर चेयरमैन बद्री नारायण झा, प्रधान शिव शंकर कुशवाहा, उप प्रधान परेखन साहनी, विनय गुप्ता, वीरू ठाकुर, पुनीत साहनी, कोषाध्यक्ष लाल बाबू चौपाल, कुंवर सिंह कुशवाहा, कैलाश चौधरी, प्रेस सचिव अरुण कुमार विक्की, महानंद रजत, शशि रंजन झा, पंडित अनिल सहित अन्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जय माता दी। नमस्कार सभी भाइयों बहनों माताओं, बहुत खुशी की बात है कि हर साल की तरह इस साल भी माँ दुर्गा पूजा महोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। आगे क्या था कि पिछले साल भी कोरोना काल में हम लोग विधि विधान से मनाए थे, पर इस बार कोरोना काल में भी भगवान सबकी माता रानी सबकी कृपा रखे तो इस बार उन्होंने इजाज़त दिया, तो हम लोगों ने बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। और आज 7/10/2021 हमारा जो मिथिलांचल एकता वेलफेयर सोसाइटी है वहाँ कलश यात्रा है, जो कलश यात्रा हमारा देवी तालाब से चल के पल्टन पार्क में देवी तालाब मंदिर से माता रानी के ज्योत और कलश यात्रा यहाँ से निकाली जा रही है। एकता जो स्थान स्थापना पल्टन पार्क डीएवी कॉलेज कबीर नगर जालंधर में ज्योत रखी जाएगी। सभी भक्तजनों से विनती है कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और माता रानी के दरबार में आके दर्शन करें, और सभी मतलब भाइयों बहनों माताओं सभी के लिए दरबार खुला है, तन मन धन से आके सहयोग करें और माता रानी का दर्शन प्राप्त करें।